हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सीरीज का बहुत दिनों से वेट था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में रिव्यू करिए, और वही वीडियो मैं लेकर आज आया हूं आपके बीच। तो आज रैंक वन कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, तो इनका नाम है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, नॉर्थ कैंपस, न्यू दिल्ली। तो भाई यहां पर एडमिशन कैसा होता है और ये दिखता कैसा कैंपस है, ये ऐसा कैंपस है भाई। तो फटाफट बात करते हैं। यहाँ के दो कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट के जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, और उनका नाम है यहां पर BCom ऑनर्स एंड BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। यही दो कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर। अच्छा भाई, एक और बात, अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो SRCC में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स नहीं ली है तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। खैर, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बहुत सारी कंटेंट चीजें लिखी हुई हैं। लेट्स स्टडी कि ये है क्या और इसके बारे में क्या बातें करने वाले हैं हम लोग। तो भाई देखो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है SRCC के अंदर जाने का इन अ कोर्स कॉल्ड इकोनॉमिक ऑनर्स, जिसको हम लोग BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं बेटा, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होंगे आपको, 45% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर 45% से नीचे तो फॉर्म भी भरने लायक नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर आपको BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना होगा तो आपके पास मैथमेटिक्स होनी जरूरी है, मैथमेटिक्स को पास किया होना जरूरी है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है, पास किया होना चाहिए, बस इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आपका? बस केवल मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स में आप पास होने चाहिए। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या बोला, द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द मार्क्स ऑफ वन लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट अकेडमिक और इलेक्टिव सब्जेक्ट। भाई एक लैंग्वेज होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, भी मैंने आगे पूरी लिस्ट लगा रखी है आप देख सकते हो, और बाकी इलेक्टिव और अकेडमिक सब्जेक्ट होंगे। बेस्ट 4 के बेसिस पे आपका एडमिशन होना है, लेकिन मैथ्स आपके पास क्वालिफाइंग है, 12वीं मैथ्स होनी चाहिए, चाहे इतने नंबर आए होनी चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद जरा फटाफट से पढ़ते हैं। आउट ऑफ 3 अकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़न अबव, वन मस्ट बी कंसर्न्ड सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज सॉट। मतलब अगर इकोनॉमिक ऑनर्स आप पढ़ने जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स का होना ही चाहिए, ठीक है ना भैया। आगे क्या बोल रहे हैं भाई, फेलिंग टू विच डिडक्शन ऑफ 2.5% विल बी इम्पोज ऑन द बेस्ट 4 एग्रीगेट। और अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपके 2.5% सीधा सीधा कम कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ। फिर क्या बोला गया भैया, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज गिवन इन लिस्ट ए, और लिस्ट भी, तो लिस्ट है, लिस्ट भी मैं अभी फटाफट शेयर करने वाला हूं आपसे। बेस्ट 3 विल बी लीड टू अडिक्शन ऑफ 2.5% पर सब्जेक्ट ऑन द एग्रीगेट ऑफ द बेस्ट 4। तो अगर भाई आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं है तो भी आपका 2.5% कम कर दिया जाएगा। 2.5% बहुत होता है, एडमिशन हो ही नहीं पाएगा अगर 2.5% का डिफरेंस आ गया। खैर, आगे देखते हैं, लिस्ट ए लिस्ट बी है क्या बेटा, तो फटाफट से पढ़ते हैं आगे। ये देखिए फटाफट से आप लोग लिस्ट, ये है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, एक लैंग्वेज चाहिए होता है और बाकी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर हिंदी है तो भी चल जाएगा, अगर आपके पास कोई रीजनल लैंग्वेज है, आपके पास कोई आपने इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश चल जाएगा। ये देखिए इंग्लिश के लिए यहाँ पर दे रखा है, अब मैक्सिमम बच्चों के पास हिंदी या इंग्लिश होता है, किसी का पंजाबी है तो पंजाबी भी चल जाएगा, कोई तेलुगु का है तो तेलुगु भी चल जाएगा। लाइक वाइज आपके पास एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपकी लैंग्वेज का हो। खैर, ये बात समझ में आ गई आपको, और बाकी सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से कोई 3। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से हैं भाई, देख लो इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसके पास इलेक्टिव हो गया होगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, और उसके पास हो गया होगा अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स है तो बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके पास और सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी के पास साइको ले, कुछ बच्चे साइको लेते हैं, कुछ बच्चों के पास होता है कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज। तो लाइकवाइज कोई भी आपके 3 इलेक्टिव चल जाएंगे इसके अंदर, लेकिन इलेक्टिव जो होने चाहिए वो इसी लिस्ट के अंदर के होने चाहिए। किसी बच्चे ने कंप्यूटर भी ले रखा है तो कंप्यूटर भी इलेक्टिव में चल जाएगा। अब कुछ बच्चों के पास होता है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इस लिस्ट में नहीं है, और अगर आपने फिजिकल एजुकेशन हमने बेस्ट 4 में जोड़ा है तो 2.5% कम हो जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है यारी, SRCC तो भूल जाओ फिर। खैर, आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब दूसरा कोर्स क्या है, दूसरा कोर्स है हमारा BCom ऑनर्स, और BCom ऑनर्स में कैसे एडमिशन होना है फटाफट से जरा देखिए। BCom ऑनर्स की भी कुछ यहां पर कंडीशंस लिखी गई हैं, क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स होना जरूरी है, मैथमेटिक्स हो, बिजनेस मैथमेटिक्स हो,
ये होना जरूरी है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, खाली पास होंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है आपके, फिर वही एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और बाकी तीन सब्जेक्ट्स होंगे जो कि इलेक्टिव होंगे। अब इलेक्टिव में आपके पास लिस्ट भी दे रखी है, या तो मैथ्स होना चाहिए या अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स, इन चारों सब्जेक्ट में से ही आपको तीन चूज करने हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है आपको एसआरसीसी। बात समझ में आ रही है यार? तो आपके जो कोर में इन सब्जेक्ट है ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी अगर सीबीएसई को हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या मैथमेटिक्स, इनमें से ही आपको कोर चूज करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, और उसके अलावा अगर कोई लिस्ट बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, तो 1% का डिडक्शन हो जाएगा और 2.5% का डिडक्शन हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। खैर आगे बात करते हैं, और मैं ये बताने जा रहा हूं आपको लास्ट ईयर 2019-20 की कट ऑफ लिस्ट। ये पहली कट ऑफ लिस्ट थी बेटा, और पहली कट ऑफ लिस्ट क्या आई थी आप फटाफट से देख सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हो तो 99% चाहिए थे इन द बेस्ट फोर, 99% फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, और लाइकवाइज आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप बीकॉम ऑनर्स करने गए थे तो और भी ज्यादा, 99.5 मार्क्स थे, तब जाके कहीं आपके एसआरसीसी में एडमिशन हुआ था, विच इज हेल डिफिकल्ट आई टेल यू, ठीक है ना। अभी इस साल से क्या क्राइटेरिया होगा, अगले साल क्या क्राइटेरिया होगा, अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया। सीयूसीटी होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अभी तक जो चलता आ रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो भाई अभी हो ही नहीं रखी है, कहीं वेबसाइट पर ही नहीं है, और सीयूसीटी के नॉर्म्स अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी पे फॉलो हुए हैं नहीं हुए, इसका कोई भी अभी तक प्रैक्टिकल चीजें नहीं हो पाई है। तो अभी तक जैसा होता आ रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा परसेंटेज चाहिए आपको एसआरसीसी के अंदर जाने के लिए, और ये बात तो पहले से भी आपको पता है। खैर आगे बात करते हैं, कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्लेसमेंट्स यहां पे कुछ एवरेज प्लेसमेंट है 8.4 लाख पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज गया है 31 लाख पर एनम। और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने ली है वो इस पोर्टल से ली है, आप जाके फटाफट से चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। अभी ये लेटेस्ट 2019-20 क्या अचीवमेंट है जरा देख लीजिए। अ 4% ग्रुप ऑफ एसआरसीसी स्टूडेंट्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द एचएसबीसी एशिया पैसिफिक बिजनेस केस कॉम्पिटिशन 2021, the largest undergraduate case competition in the world. This was the first time in the history of the competition that a team representing India had reached the finals and won. ठीक है ना, तो ये कमाल की न्यूज थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। खैर आगे बढ़ते हैं, और कुछ बहुत ही फेमस अलुमनाइज के बारे में मैंने बताया है, आप देख सकते हैं उनकी फोटोज, और बहुत सारे लोग तो पहचानते भी होंगे भाई, अरुण जेटली जी को, रजत शर्मा जी को, उसके बाद विजय गोयल जी को, और जस्टिस अर्जुन राय और गुलशन ग्रोवर, इस तरह बहुत सारे और भी नाम हैं जो मैंने लिख रखे हैं। तो अगर भाई अभी तक तुमको और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एसआरसीसी के बारे में चाहिए, हाँ अगर कोई पूछा था हॉस्टल अवेलेबल है, हाँ भाई हॉस्टल अवेलेबल होता है। फीस कितनी है, फीस होती है 13,000 से 15,000 रुपए पूरे साल की, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, और लिविंग एक्सपेंसेस आपके अलग से हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पता करनी है या मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किया है तो कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो, और अगला वीडियो कौन सा देखना है ये भी बता दो। और ये वीडियो की चेन आने वाली है, सारे कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो पसंद आया हो तो अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने सीनियर से शेयर करो, और अपने जूनियर से तो जरूर शेयर करना। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।